তোমাদের সঙ্গে যাবো না। জিস রাস্তে পে তুম লোক চল রা হ্যায় উস রাস্তে পে কুছ হাসিল নি হোগা। পন্ডিত জি মাই কহ রা হুঁ ইস রাস্তে পে সির্ফ উমর কয়েদ অর ফাঁসি। পকড়ে জায়েঙ্গে তব না জব তক মেরে সাথ মেরা ইয়ে বমতুল বুখারা হ্যায়। কিসি মাই কে লাল মে হিম্মত নাহি কি মুঝে জিন্দা পকড় সকে। মাই আজাদ হুঁ অর আজাদ রহুঁগা। অর অঞ্জাম কে বারে মে সোচ কর ডরনে ওয়ালা দেশ কে লিয়ে ক্যা লড়েগা। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, বম অর পিস্তল সে সব লড়াই নাহি লড়া জাতা। কংগ্রেস ভি তো লড়াই কর রা হ্যায় না, क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और उसको मजबूत करें। हाँ लड़ रही है कांग्रेस, कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं गांधी जी को सुनकर, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है। डोमिनियन स्टेटस यानी कि आधा राज, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। विजय पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले लोग खड़े होकर गाना गाएंगे, लॉन्ग लिव द क्वीन। आपने की जान शेटा, अपनी हर पॉलिसी डिसाइड करने से पहले अंग्रेज लोग की मंजूरी लेंगे और कहलाएंगे आजाद। अरे तुम्हें तो सभी बोझ हो दादा। अच्छा तुमने जा किछु ही बोलो ना, क्यों लोग तो कांग्रेस के साथ है ना। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए क्या करना है इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पर इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी।